चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। ओए, ओए। ये आप ठीक नहीं कर रही माँ जी। कल से ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, हुआ ही नहीं। चलो कोई नहीं, कल ना मैं दूसरा ले आऊंगी। क्या चश्मा? माँ जी मैं महमूद साहब की बात कर रहा हूँ। वो दूसरे ही तो हैं। ये आप क्या कर रही हैं यार? शर्मा रही हूँ। ये शर्माने का नहीं, शर्माने का मकाम है। वही तो आ रही है। ये को उम्र है शादी की? तू तो अभी 35 साल का है ना। मैं आपकी उम्र की बात कर रहा हूँ। और खबरदार जो मेरी उम्र की बात की, आज मेरी ना वो हो रही है। वो क्या? और वही जो तेरी हो रही है। बेइज्जती? नहीं नहीं, वो जो दूल्हा दुल्हन की होती है। मेरी शादी में ही करना था ये सब कुछ आपने? हाँ हाँ हाँ, शादी, आज मेरी शादी हो रही है। आज ही के दिन करनी थी आपने शादी? तू किसी और दिन करना चाह रहा था। माँ जी मैं आपकी और महमूद साहब की बात कर रहा हूँ। कौन महमूद? जिनसे आपकी शादी हो रही है। खबरदार जो अपने होने वाले बाप को जिन कहा तूने। जहांगीर ना बहुत अच्छे इंसान है। ये जहांगीर कौन है? मेरे शोहर। ओह देखो खूबसूरत, मैं नहीं देख सकती महमूद साहब। इस बात का नबील को पता है क्या कि तुम नहीं देख सकती? मैं आपको नहीं देख सकती महमूद साहब। क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? नहीं। मगर क्यों? इस सेहरे की वजह से। क्यों? क्या क्या क्या, ये सेहरा जादू का है? नहीं, आपका मुंह इसके अंदर है, उतारेंगे तो देखूंगी ना। ओहो खूबसूरत, मैं मुंह नहीं उतार सकता। प्लीज महमूद साहब। तुम समझ नहीं रही हो खूबसूरत, देखो मैं तुम्हारा सुसर भी हूँ और दोस्त भी। तो फिर मैं तुम्हें सास के जुल्म से बचा लूंगा। क्या? हाँ, तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ऐश करना ऐश। आप शादी कैसे कर सकती हैं माँ जी? चला मैं तेन दसा। मैं नहीं आऊंगा। तू अपनी माँ की शादी में नहीं आएगा बेटे, है? रुक जाओ। अरे जनाब मैं तो पहले से ही रुका हुआ हूँ। पापा ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन ये शादी तो हो चुकी है अंकल। क्या? हाँ हाँ, अब तो ये शादी होने वाली है। तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। क्यों भाईजन, क्यों नहीं हो सकती? मैं इतनी दूर से आया हूँ, कोई तो शादी रुकवाऊंगा ना। वेरी गुड अंकल, मैं आपके साथ हूँ। खबरदार जो मुझसे बात करने की कोशिश की। पापा तुम्हें इससे ज्यादा घटिया आदमी नहीं मिल सकता था शादी के लिए? इससे ज्यादा घटिया आदमी कैसे मिल सकता था पापा? खूबसूरत। पापा मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ खूबसूरत। पापा अब तो जो होना था वो हो गया ना। क्या कुछ हो भी गया? मेरा मतलब है अब निकाह तो हो गया ना पापा। पापा अब हमें माफ नहीं कर सकते। तुम मुझे पापा मत बोलो। हाँ तुम मुझे पापा बोलो। महमूद साहब। महमूद साहब नहीं, पापा। चले भाईजान अब आप वो थूक दे। वो क्या? पान। लेकिन पान तो मैं खाता नहीं हूँ। जब खाते ही नहीं है तो थूक दे। बहन पान थूकने को नहीं कह रही। अरे जब मेरे मुंह में पान ही नहीं है तो थूकने या ना थूकने से क्या फर्क पड़ता है? चले फिर जो मुंह में है वो थूक दे। तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हाँ हाँ गुस्सा थूक दे भाईजान, गुस्सा थूक दे। पापा आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए बोतल मंगवाती हूँ। ना ना इनके लिए बोतल मत मंगवाना, वरना खाम खा में सारी शादी खराब कर देंगे। क्यों जी? बिल्कुल सही। पापा प्लीज अब तो मान जाए ना। शादी उनकी हो रही है, मैं क्यों मान जाऊं? पापा इससे पहले मैंने कोई काम आपकी मर्जी से किया जो ये करती? माफ किया। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। ये खाना कब खुलेगा? जब मेरी सास का निकाह हो जाएगा तब। और जल्दी करो यार, मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है। आपका नाम मुमताज है? हाँ जी। गवाह कहाँ है? जब मैंने कह दिया है कि मेरा नाम मुमताज है तो गवाहों की क्या जरूरत है? निकाह के लिए गवाह जरूरी होते हैं बीबी। निकाह के लिए शौहर जरूरी है, वो तुम्हारे बराबर बैठा है। मेरे साथ फ्री होने की जरूरत नहीं है, समझे? अरे तुम ये क्या घर का हिसाब लिखने बैठ गए, निकाह पढ़ाओ। वाह वाह क्या अच्छे टाइम पे एंट्री की है बट साहब आपने, बहुत अच्छे लगे हैं मुझे आप। ये शादी नहीं हो सकती। इंशाल्लाह। ये सारा शहर मेरी शादी रुकवाने के पीछे क्यों पड़ा है? क्यों नहीं हो सकती हवालदार साहब? सब इंस्पेक्टर बोलो,
इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर रात के 12:30 बज रहे और आप लोगों ने कानून तोड़ा है। 12 बजे के बाद कोई शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ओए तुम इससे बात कर, नहीं तो तुझे स्वागरात थाने मनानी पड़ेगी, वो भी हमारे साथ। तुम तो बैठो। बट साहब आप नाराज ना हो, मेरे साथ उधर चले, मैं आपको खुश करता हूँ। ठीक है, लेकिन इसकी तरह खुश ना करना। आइए 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 बट साहब। तुम उधर क्या देख रहे हो? निकाह पढ़ाओ जल्दी तरफ। हाँ अरे भाई जल्दी करें, खाना खुलने वाला है। अरे जो कुछ करना है आपने करना है, हम क्या करें? लेकिन मेरी तो शादी हो चुकी है। तो अब क्या किसी और की नहीं होने दोगे? आप इनके गवाह हैं सब हरकतों का। जी मैं इनका बेटा हूँ। आप इतनी जल्दी कैसे हो गए? मैं बचपन से ही इनका बेटा हूँ। कि नबील आपके बचपन में हुआ था? कौन नबील? अब आप जल्दी कीजिए भाई। हाँ मुझे भूख लग रही है। मैं निकाह पढ़वा रहा हूँ, खाना नहीं पका रहा। काजी साहब जल्दी करें, मुझे वो हो रही है। वो क्या? वही जो घबराहट में होती है, उल्टी। क्या? ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? अरे मैं तो सिर्फ जल्दी करने के लिए बोल रही हूँ। तुम्हें क्या बेचैनी है? हाँ हाँ बेचैनी, काजी साहब बड़ी बेचैनी हो रही है मुझे, आप जल्दी से निकाह पढ़ाएं। हाँ अब और इंतजार नहीं होता। रुक जाएं काजी साहब। अब क्या हुआ? मेरी कुछ शर्तें। मुझे सब मंजूर है, आप निकाह पढ़ाइए। नहीं नहीं पहले आपको मेरी शर्तें सुननी होंगी। बोलो यार। मेरी पहली शर्त। क्या है तुम्हारी पहली शर्त? क्या आप मेरी माँ को अपनी माँ समझेंगे? क्या? हाँ, और हक महर 50 लाख होगा। अब मंजूर है। और तलाक का हक? तुम्हारी माँ को होगा। नहीं मुझे होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों, मेरी शादी में मुझे नहीं मिला तो क्या मेरी माँ की शादी में मुझे नहीं मिलेगा? काजी साहब इसको दफा करें, आप निकाह पढ़ाएं। माँ जी। अरे जल्दी करो ना, सुना नहीं है उन्होंने क्या कहा? जी अच्छा जी। मोहब्बत आग का दरिया और तू बबल हर, न जाना जल जाएगा प्यार, नहीं ये आग का जल है। हो तेरा काम ही है चलते जाना, तेरे सामने आज नहीं है बस तेरा कल है। पैरों को जमाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा, और बबल फुलाए चलता जा, कोई क्या है मूसा? यार नबील ये कमरा कुछ खाली खाली नहीं लग रहा। बिल्डिंग के बच्चों को बुला के भर दूं? बच्चों को नहीं कमरे को। अरे यार सजवा ही देते। मैं मूसा इससे घटिया बात नहीं कर सकते थे आप? कर सकता था लेकिन मैंने की नहीं है। मेहमान साहब। भाई तमीज से बात करो, ये बताओ कि तुम सोओगे कहां? बेड पर। और कहां? इस वक्त बेड कहां मिलेगा? इस कमरे में। लेकिन ये कमरा तो मेरा है। महमूद साहब ये कमरा मेरा है। अभी पता चल जाता है। मोमो मोमो। हाँ जी आई। ये मोमो कौन है? मैं तुम्हारी माँ को प्यार से मोमो कहता हूं। क्या? जी जी सरदार बुलाया आपने मुझे। सरदार नहीं, मैं आपका सरताज हूँ। कौन सरताज? मैं सरताज। लेकिन आपका नाम तो महमूद है। हाँ लेकिन शादी के बाद मैं तुम्हारा सरताज हो गया हूँ। और मेरा शौहर कहाँ है? माँ जी आपका शौहर पिंडी गया है, कुछ दिनों में आ जाएगा। चलें बाहर बैठ के बातें करते हैं। अरे नहीं नहीं हम थक गए, अब हम आराम करेंगे। क्यों मोमो? हाँ जी। माँ जी। नबील आया। ये आया की आवाज थी? नहीं नबील की। तो नबील बाहर है? नबील मैं हूँ माँ जी। नहीं तो फिर बाहर से आवाज क्यों दे रहे हो? ओफ उफ उफ ना करो, तुम जाओ, हमें डिस्टर्ब मत करो, चलो जाओ। किसी की आंख पुकारे करे इशारे, दिल को बांध के रस्सी, चलता जा रे चलता जा रे, चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी। नबील तुमने मुझसे शादी क्यों की थी?
क्यों बताऊं? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? बैठी हो? नबील मेरा कमरा तो वो है। तो अपने कमरे में जाओ खूबसूरत। किस तरह जाऊं? चल कर। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? गुस्सा। अच्छा इधर आओ। क्या है नबील? मैं सोफे पे बैठे बैठे थक गई हूँ और तुमने मेरा घूंघट भी नहीं अभी तक उठाया। तो उठाओ ना। मैं तुम्हें उठाकर कहाँ रखूंगा? अरे मुझे नहीं इडियट, घूंघट को। लेकिन मैंने तो घूंघट ओढ़ा ही नहीं है। मेरा घूंघट। नबील अब मैं और इस सोफे पे नहीं बैठ सकती। कहाँ जा रही हो? चेंज करने। सोफा नहीं कपड़े। इस वक्त दुकान बंद होगी खूबसूरत। नबील मैं ये कपड़े चेंज करके दूसरे पहनने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इन कपड़ों में गर्मी लग रही है। आपको डर तो नहीं लग रहा? मैं देख ही नहीं रही आपके। तो मुझे पहले क्यों नहीं मिली? कितना का पहले? मेरी जवानी में। उस वक्त तो मैं बहुत छोटी थी ना। मजाक कर रही हो ना? नहीं मोमो, ये मेरी पहली शादी है। मेरी भी पहली है। है? आपसे पहली है। उठाओ मुझे। नहीं घूंघट। हाय लव। वो कहाँ है? वो क्या? वही जो किचन में होता है। अंदर नहीं है महमूद साहब? नहीं मैं महमूद साहब की बात नहीं कर रही। वो क्या? वो जो पीते हैं पानी। नहीं जो पानी मिला के पीते हैं। महमूद साहब ये आप क्या कर रहे हैं यार? नहीं मेरा नाम महमूद साहब नहीं है। मुझे पता है मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ माजी। ये ढूंढ रही थी। दूध बिल्ली पी गई है। फ्रिज में नहीं है? बिल्ली नहीं दूध। मोमो आई। माजी मुझे नींद नहीं आ रही। तो गोली खा ले। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरी कोई लाइन ही नहीं है। तुम बोलो। मेरी भी कोई लाइन नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? तुम्हारा तो मुझे नहीं पता। मैं सो रही हूं। क्या देख रहे हो? तुम्हें उठाओ भाई। तुम जाग रही हो तो मैं कैसे उठाऊं? ओहो फोन उठाओ। ओ अच्छा। हेलो हेलो कौन? कौन बोल रहा है? पहले तुम बताओ। अरे जब तक आप बताएंगे नहीं कि आप कौन बोल रहे हैं तो मैं कैसे बताऊंगा कि आप कौन बोल रहे हैं? बेवकूफ हूँ क्या? अरे अब वो मैं कैसे बता सकता हूँ जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। पूछो। आप कौन बोल रहे हैं? तुम कौन बोल रहे हो? अरे यार मैं अहमर बोल रहा हूँ, मुझे नबील से बात करनी है। यार अहमर तूने मुझे नहीं पहचाना? नहीं कौन बोल रहा है? नबील मेरी जान। अरे यार आप अपनी जान को बुलाइए, मुझे उसी से बात करनी है। डार्लिंग अहमर तुम्हें बुला रहा है। मैं अभी कहीं नहीं जा रही। जानी वो तुझसे बात नहीं करना चाह रही। अरे मुझे नबील से बात करनी है यार। अबे मैं नबील ही बोल रहा हूँ। ये तेरी आवाज को क्या हो गया नबील? क्यों सही नहीं आ रही? बदली लग रही है थोड़ी। शादी के बाद बदल गई होगी। कौन? मेरी आवाज। उसने शादी कर ली क्या? नहीं नहीं मैंने शादी कर ली। अच्छा मुबारक हो यार। थैंक यू। मैं तेरी भाभी को लेकर घर जा रहा था, उसने तेरा फ्लैट देखने की जिद की। मैं अभी बस गुस्सा ही था तो तेरा फोन बजने लग गया। कैसा लगा? तेरा फोन? ओ नहीं यार मेरा फ्लैट। हाँ बस ठीक ही लगा। जाहिर है बड़े घर में जा रही है, उसे ये फ्लैट कहाँ अच्छा लगेगा छोटा सा। अच्छा सुन नबील मैंने फ्लैट भेज दिया।
क्या? हाँ, मैं 2-3 दिन से तुझे फोन कर रहा था, लेकिन तू बिजी था शायद। अच्छा सुन, परसों नई फैमिली शिफ्ट हो जाएगी यहाँ, तो तू जाते हुए चौकीदार को चाबी देते जाना, ठीक है? हैं? चल ठीक है नबील, फिर मैं कल बात करता हूँ। इंजॉय कर मेरे दोस्त, और सुन भाभी को मेरा सलाम कह देना। क्या हुआ? अहमद ने ये फ्लैट बेच दिया है। क्या? परसों फैमिली शिफ्ट हो रही है यार। तो हम कहाँ जाएंगे? महमूद साहब, महमूद साहब, महमूद साहब, महमूद साहब बाहर निकले। नबील, तुम इस वक्त महमूद साहब को घर से बाहर निकाल रहे हो? घर से नहीं, कमरे से निकालूंगा। महमूद साहब, इसका मतलब है मैं आज अपने कमरे में सोऊंगी? यस। महमूद साहब, महमूद साहब, क्या कर रहे हो नबील? महमूद साहब बाहर निकले। नहीं, ऐसे ही बता दो यार, एक बुरी खबर है। अभी मत देना। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? देखो नबील, मुझे पता है कि ऐसे मौकों पर दोस्त यार बहुत तंग करते हैं, लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं है। महमूद साहब, गुड नाइट। इधर मेरी बात सुने। अरे मैं छोड़ो, मुझे नींद आ रही है। इधर आए ना, इधर आके मेरी बात तो सुन ले यार एक दफा। क्या है? अहमर का फोन आया था। अरे कौन है अहमर? इस घर का मालिक यार। हाँ तो होगा, मैं क्या करूं? महमूद साहब वो कह रहा था फ्लैट खाली करो। अच्छा सुबह कर देंगे। अरे यार मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे? तुम भी तो समझने की कोशिश नहीं कर रहे ना। क्या? यही कि मैं नहीं समझ रहा। महमूद साहब, खूबसूरत इधर आओ, आप कुछ नहीं समझ रहे। क्या है? तुम अंदर जाओ और अंदर जाकर कुंडी लगा लो। ओके। अरे ध्यान से, उसको भूलने की आदत है। मुझे तो भूलने की आदत नहीं है ना। आप इधर बैठे सोफे पर। बोलो। बोलता रहा हूँ, सोफे पर बैठे। अरे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सोफे पे बैठने के लिए। अरे सोफे पर तो मैं बैठा हुआ हूँ नबील। वो तो मैं देख रहा हूँ महमूद साहब। नबील बात क्या है? अहमर का फोन आया था। अरे आगे बोलो। आगे? ओहो, मेरा मतलब है अहमर ने क्या कहा है वो बोलो। महमर ने ये फ्लैट किसी को बेच दिया है। क्या? हाँ, और परसों यहाँ नई फैमिली शिफ्ट हो रही है। नबील, वो हमारे साथ यहाँ रह लेंगे? नहीं, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। कहाँ? देखें पहले बताओ तो कहाँ। महमूद साहब, हम बेघर हो गए। ओहो, ये तो बहुत बुरी खबर है। मैं तुम्हारी माँ को बताकर अभी आया। बैठे आप यहाँ, खूबसूरत ने उन्हें बता दिया होगा कि मैं यहाँ सोफे पे बैठा हूँ। नहीं, कि हम सब यहाँ से उठने वाले हैं। क्या? हाँ, हमें अभी ये घर छोड़ना पड़ेगा। हाय, तू तू वो ना कर ज्यादा। वो क्या? वही जो तुम कर रही हो, एक्टिंग। वो तो तुम्हें बिल्कुल नहीं आती है। क्या वो? वही जो शायर करते हैं। मुझे तो शायरी भी नहीं आती। शायरी नहीं, वो। वो क्या? वही जो घंटों बैठ के करते हैं। मुझे काम की फिक्र नहीं है आंटी। हाँ हाँ, फिक्र फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। आप क्या करेंगी? मैं अहमर से बात करूंगी। आप अहमर को जानती हैं? तुम्हें नहीं पता, शादी हुई है मेरी उससे। आपकी शादी महमूद साहब से हुई है। तो फिर ये अहमर कौन है? फिर क्या सोचा आप लोगों ने? किस बारे में? घर के बारे में। मुझे तो लगता है कि अहमद ने हमारे साथ खेल खेला है। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो अंदर कमरे में था। आप तो चुप करें महमूद साहब। माँ जी, आपको क्या लगता है? भई मैं तो कुछ भी खा लूँ ना तो मुझे तो फौरन लग जाता है। स्मार्ट औरतों का यही प्रॉब्लम होता है। खूबसूरत तुम बताओ। मेरा भी यही प्रॉब्लम है नबील। बदतमीज लड़की शौहर को प्रॉब्लम कह रही है। ओहो माँ जी, मैं टेंशन में हूँ और पुलाव खा रही है। मेरे पुलाव खाने से तुझे टेंशन क्यों हो रही है? माँ जी घर की टेंशन। टेंशन ना ले, मेरे पास बहुत सारे वो हैं। वो क्या? वही जो मेरे पास हैं। पैसे? नहीं, वही जिससे टेंशन दूर हो जाती है। ये क्या बोल रही हैं? बोल ही तो नहीं रही। वैसे आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है? हाँ हाँ हाँ, इनको आइडिया है। आइडिया? आइडिया मेरे पास भी बहुत सारे आइडिया है। आप पुलाव खाइए। थैंक यू। अब हम करेंगे क्या? मेरे ख्याल में अब हम सब लोगों को मिलकर बाजमात
इस घर को आखिरी नजर देख लेना चाहिए। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई गाए जाए जलता जा। अरे बबल फुलाए चलता जा।